जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए आप लोग आ जाइए, सेशन को बनाए रखिए, आप लोग शेयर कर दीजिए चारों तरफ शेयर कर दीजिए, सबको बेनिफिट मिल सके। अपने भाइयों लोगों को शेयर कर दीजिए आप लोग प्लीज। देखिए साइंस और ट्रेड दोनों सब्जेक्ट में आप लोगों को हैंडल करूंगा। आज बैच का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। 20 फरवरी से बैच आ रही है मात्र 499 रुपये में, मात्र 499 रुपये में। सीबीटी फर्स्ट भी रहेगा, उसमें सेकंड भी रहेगा, टेक्नीशियन भी रहेगा। यानी ट्रेड के साथ सर ने शुरू किया इस बैच को, ट्रेड के साथ सर शुरू किए हैं। देखिए कितना कम फी में मैं आप लोगों को फाउंडेशन टाइप का पढ़ाऊंगा। देखिए ये भी एक सोचने वाली बात है, ये भी खैर कोई बात नहीं है। आप लोग सफल हो जाइए, सोचने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग सफल हो जाइए। वही बस सबसे बड़ी चीज हो जाएगी हम लोगों के लिए, वही एक समझिएगा कि दक्षिणा हो जाएगा, गुरु दक्षिणा हो जाएगी। एकदम आप लोग को कम फी पर शुरू किया गया है ये 499, मात्र 499। गुड इवनिंग सभी को। सब लोग बताइए वीडियो ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? किसी तरह से सिलेक्शन दिलवा दीजिए सर जी। चलिए आप लोग लगे रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग अगर सेशन को लगातार बना कर रख रहे हैं, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जितना वीडियो मैंने बताया है लगभग आपका 30-31 वीडियो हो गया, 30-31 वीडियो सब का सब स्टूडेंट देख रहे हैं। और आप सबको एक कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए, सर 299 का बैच कर दीजिए, 299 का बैच कर दीजिए। देखिए बेवकूफ़ को एक कैसे कह रहा है ये। कोई बात नहीं है। अरे यार यहाँ पर होता है ना कि 50 रुपये फी रखिएगा तो कहेगा कि सर थोड़ा कम कर दीजिए, 5 रुपये फी रखिएगा तो कम कर दीजिए, और फ्री में दिया जाए तो पढ़ना नहीं चाहेगा कोई। यही तो है दुर्भाग्य। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन बेसब्री से इंतजार है, क्या पट खोल दिया जाए? पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन से आगाज आप लोगों की। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब, प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा? ये बताइए। दाब से क्वेश्चन दे दिया गया है, ये प्रेशर से क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बल को 4 गुना और तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब, प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा? तो आप ये बात जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, फोर्स बाई एरिया होती है ये। और अब यही सवाल आपका यहाँ से पूछा जा रहा है, यहीं से सवाल आपका ये पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। P डैश बराबर कह रहा है कि बल को 4 गुना, तो यहाँ 4 भर दीजिए, और क्षेत्रफल को कह रहा है आधा, तो 1/2 कर दीजिए, बराबर कह दीजिएगा 8 गुना हो जाएगा। माने दाब का मान, प्रारंभिक दाब मान का 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर है कोई ऑप्शन? हाँ, सब लोगों का आ रहा है 8 गुना, 8 टाइम्स आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ये हमारे प्रश्न का जवाब हो गया। चलिए आप लोग के पास समय है, प्लीज आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहले इस सेशन को चारों तरफ शेयर कर दीजिए, और आपके पास समय है तो लाइक बटन एक बार दबा दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं इस बात का। जूनियर इंजीनियर साहब, चलिए ठीक है। हाँ, सब में आएगा ये, सब एग्जाम के लिए रहेगा ये। ऐसा नहीं है कि साइंस में स्पेशल इसका ये रहेगा, इसका ये रहेगा। सर साइंस में पूरा नंबर आएगा ना? हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर सेशन में लगातार बने रहिएगा, मैं जितना बतला रहा हूँ उतना पढ़े रहिएगा, तो साइंस और ट्रेड में आपको हम फुल्ली नंबर लाने की कोशिश करूंगा। और एक स्टूडेंट का कहना है कि सर मैं ट्रेड इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन हो गया, सब ट्रेड पढ़ाऊंगा आपको, मैं वर्दी पहना दूंगा। इतना समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि 75 क्वेश्चन, फिर आपका 50 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन पर हम लोग एकदम फाइट करेंगे। हम लोग 75 क्वेश्चन सीबीटी आपका पार्ट बी का है हमारा, सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन सीबीटी आपका 2 के पार्ट ए में है और सीबीटी 1 में 20 क्वेश्चन साइंस का है, इसलिए साइंस पर थोड़ा ध्यान देकर पढ़िए, आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको। देखिए हो गया 8 गुना हो गया। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है ये। कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन, यही तो सवाल कह रहा है। तब कार्बोनेट आयन पहले हम यहां देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आयन की बात करते हैं तो आयन 2 तरह का होता है, ये होता है आयन्स 2 तरह का होता है, एक होता है केटायन्स, एक होता है केटायन्स होता है माने प्लस, और एक होता है एनायन्स, एनायन्स का मतलब होता है माइनस। एक केटायन होता है और एक एनायन होती है। तो अब बताइएगा आयन का अगर तुल्यांकी भार पूछा जाएगा कि इसका तुल्यांकी भार या समतुल्य भार पूछा जाएगा, तुल्यांकी भार या समतुल्य भार कह दिया जाए तो आप इसको कैसे निकालिएगा, तो कहिएगा आयन का आणविक सूत्र द्रव्यमान, आयन का द्रव्यमान, आयन का कहिएगा आयन का आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान और बटा आवेशों की संख्या, कोई भी आवेश चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, बटा आवेशों की संख्या, नंबर ऑफ चार्ज कह दीजिएगा, आवेशों की संख्या कह दीजिएगा। तो आप बताएंगे यहाँ पर कह रहा है कि आयन का तुल्यांकी, आयन का, यहीं पर आयन का आणविक सूत्र द्रव्यमान, तो हम इसका तुल्यांकी भार निकालने जा रहे हैं। कार्बोनेट आयन का सूत्र होता है CO3 माइनस माइनस, इसी को कार्बोनेट आयन कहते हैं। और इसका द्रव्यमान बता दीजिए, इसका द्रव्यमान लिखना पड़ेगा, तो कहिएगा 12 + 48, एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 गो का 48 होती है। आप बताइएगा यहाँ पर 48 और 12 हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसलिए इसका तुल्यांकी भार में जरा कमेंट सेक्शन पर ध्यान देते हैं। सर आप ही की तरह के एक ही तरह से रोज रोज सवाल क्यों करवाते हैं, आपको पता नहीं है हर एक दिन मैं सवाल बदल कर कराता हूं, क्योंकि हमारी आदत नहीं है कि मैं सवाल को रिपीट करूं, हमारी ये आदत नहीं है कि सवाल को मैं रिपीट करूं। हर एक दिन आप लोग को नए टाइप का क्वेश्चन देता हूं, नए सिरे से क्वेश्चन देता हूं, नई सोच देता हूं, ताकि आपको इतना सोच बढ़ा दूं, आपके अंदर इतना चीज भर दूं कि आप एग्जाम में विचलित नहीं हो, आप विचलित नहीं हो आप। इसलिए अपने माइंड से इस चीज को निकाल दीजिए। आपका अगर माइंड में इस तरह का चल रहा है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, नो डाउट आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप स्वतंत्र हैं। तब बताइएगा यहां पर कहेंगे कि तुल्यांकी भार इसका क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार की बात किया जाएगा तो कहिएगा कि इसका हमारा कहिएगा आणविक सूत्र द्रव्यमान 60 आ गया और इस पर कितना चार्ज है, तो कहिएगा 2 है, बटा 2 कर दीजिएगा 30 आंसर हो जाएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसको एगो आपका यहां पर, यहां देखिए यहां पर आपका हो गया, यहां पर अब ध्यान दीजिएगा चलिए देखिए यहां पर हो गया 30 हो गया। यहां पर अगला सवाल पर आते हैं, अगला सवाल आ जाते हैं। हाँ ये बात सत्य है कि जब मैं लेवल का क्वेश्चन कराता हूं तो हर एक स्टूडेंट अगर इस चीज को पकड़ लिया, इस रिदम को पकड़ लिया, जरूर उसको सफलता मिलेगी, दावे के साथ कह रहा हूं, जरूर उसको सफलता मिलेगी। चलिए अगला सवाल हमारा देखिए, अगला सवाल 3 नंबर सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये, एकदम लोको पायलट और टेक्नीशियन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन समान चालकों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध X प्राप्त होता है। हमारा सवाल है कि इन समान चालक को समानांतर क्रम में जोड़ने पर, देखिए बहुत सारे प्रतिरोध हैं, बहुत सारे प्रतिरोध हैं, अगर उसको आप पैरेलल में जोड़ रहे हैं, अगर सबका वैल्यू सेम है, देखिए सबका वैल्यू सेम मतलब कि हमारे पास बहुत सारा प्रतिरोध है और सबका वैल्यू सेम है और पैरेलल में है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए वो सूत्र हम लोग लगाते हैं। देखिए आरपी बराबर होता है R/n के, R/n के होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ये होता है पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए होती है ये। और बताइएगा वैल्यू सेम रहने पर, वैल्यू समान रहने पर, वैल्यू समान रहने पर वैल्यू समान रहने पर होती है। ये वैल्यू अगर सेम रहेगा तब, और याद रखिएगा आर एस बराबर होता है एन इंटू आर के बराबर, वैल्यू समान रहने पर। इसमें भी वही बात है और इसमें भी वही बात है, वैल्यू समान रहने पर। और अब हम लोग अपने सवाल पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है सवाल, जरा देखिएगा। अब यहाँ पर सवाल कह रहा है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आ जाएंगे हम लोग। सवाल में कह रहा है कि एन समान चालकों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर कह रहा है कि परिणामी प्रतिरोध x मिलता है, तो आरपी के जगह पर x भर दीजिएगा और यहाँ r बटा एन कर दीजिएगा। तो बताइएगा इसका वैल्यू निकालिए, तो R बराबर कह दीजिएगा NX के बराबर। तो ए गो का प्रतिरोध कितना आया, NX के बराबर आया। और फिर सवाल में कह रहा है कि जब इन n चालकों को सीरीज में जोड़ा जाता है, तो बताइए प्रत्येक का वैल्यू कितना आ गया, NX आ गया। प्रत्येक का वैल्यू NX आ गया। और अब बताइएगा सीरीज के लिए अगर कह दिया जाएगा कि सीरीज में जोड़ा जाता है, तो कहिएगा n इंटू आर हो गया, n इंटू आर। तो n तो हो ही गया और r का मान हो गया हमारा n इंटू एक्स हो जाएगा। तो n स्क्वायर एक्स के बराबर आंसर हो जाएगा, n स्क्वायर एक्स के बराबर। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। एकदम इस तरह की सोच रखिएगा तभी आपसे सवाल बनेगा, क्योंकि हम लोगों को सीबीटी फर्स्ट सीबीटी सेकंड दोनों, हम जानते हैं कि सीबीटी फर्स्ट तो आप पास कर जाइएगा, लेकिन सीबीटी सेकंड में लटकना नहीं चाहिए आपको, आपको लटकना नहीं चाहिए। सीबीटी सेकंड और फर्स्ट दोनों के लिए हम लोग कवर करेंगे। प्लीज आपके पास समय है तो शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए, सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज, आप लोगों से निवेदन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 होती है। इसी को कहते हैं हम लोग मार्बल कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं खड़िया के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग चौक के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग चौक कहते हैं, चूना पत्थर के भी नाम से जानते हैं हम लोग, इसी को चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं इसी को। ये सब का सब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का ही नाम है। तो बताइएगा खड़िया हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, ये जिप्सम नाम नहीं है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O होती है। इसको कहिएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए एक कहना है कि एक स्टूडेंट है, सर आपका साइंस स्पेशल बैच कहाँ मिलेगा, आपका 20 तारीख से बैच आ रही है यहाँ पर, उसी बैच को आप पकड़ लीजिए, आपका मिल जाएगा, उसी से कवर करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। सिर्फ माइंड को थोड़ा खोल कर रखिएगा, क्योंकि हम थोड़ा दूसरे टाइप से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को हम उस ट्रेंड पर नहीं पढ़ाना चाहते जिस ट्रेंड पर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उस ट्रेंड पर पढ़ने से आपको उतनी ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हम थोड़ा लीक से हटकर पढ़ाते हैं, क्योंकि लीक से हटकर हमें चलने की बहुत शौक है हमको। जो इस लीक को पकड़ लिया, जो इस ट्रेंड को पकड़ लिया, समझिएगा कि जरूर उसको सफलता उसके साथ चलेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाकी सब यहाँ पर हमारा CaCO3 ही होती है, आंसर हो गया हमारा जिप्सम हो गया यहाँ पर। अगला सवाल है कि 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान बताइए। पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ये पहले लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करते हैं तो -1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम्ब के बराबर, -1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम्ब के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। अब यहां देखिए, आप लोग जानते हैं कि विभवांतर क्या है, व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये विभवांतर जो होता है आवेश को धक्का देता है, विद्युत का दबाव है और वही आवेश को धक्का देता है, तो कितना समय में कितना आवेश चला वही ना धारा होती है, वही धारा होती है। अब यहां देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, और हम लोग जानते हैं कि विभवांतर यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि विभावांतर भी बराबर होता है W बटा Q होती है। W बटा Q माने किया गया कार्य बटा आवेश। तो यहाँ से कह रहा है कि कार्य का मान निकालिएगा, तो यहाँ से कार्य बराबर कहिएगा V गुने Q कह दीजिएगा। और V का मान कितना है, 10 वोल्ट है। और आवेश का मान कितना है, कहिएगा आवेश का मान, Q का मतलब होता है इकाई कूलम, देखिए आवेश होती है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19, इसी को लिख दीजिएगा 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 18 जूल आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आया गया है। क्यों इसलिए लाया गया है कि आप लोग सफल होखिए, आप लोग सफलता की ओर जाइए, इसके लिए लाया गया है। तो बताइएगा यहाँ पर प्रश्न का जवाब हो जाएगा 1.6 और गुने 10 का पावर माइनस 18, 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 18, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ ये सबके लिए है, सबके लिए है। आपका जो एक स्टूडेंट कहा था कि बिहार पुलिस के लिए सफिशिएंट, एकदम एनफ है, काफी है, सफिशिएंट है। केजीएस है, केजीएस पर आप लोगों का बैच मिलेगा, 20 तारीख से बैच शुरू किया गया है, अनाउंसमेंट कर दिया गया, खान ग्लोबल स्टडीज रेलवे के नाम से है, केजीएस रेलवे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 50 केजी वजन वाला कोई लड़का 10 सेकंड में प्रत्येक 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 40 सीढ़ियां पर चढ़ता है। उसकी क्षमता ज्ञात करना है, उसकी पावर को ज्ञात करना है, उसकी क्षमता को ज्ञात करना है, कितनी उसकी क्षमता है। चढ़ता है उसकी क्षमता ज्ञात करना है, पावर ज्ञात करना है। तो एक बात बताइएगा, यहाँ पर आप जानते हैं कि आपका ये कार्य, आपका क्षमता बराबर आपका यहाँ पर शक्ति बराबर होता है काम बटा समय। यहाँ पर निकालिए, शक्ति बराबर होता है P बराबर होता है W बटा T होती है। और W के बदले में लिख दीजिएगा mgh बटा T कर दीजिएगा, mgh बटा T। ये बताइएगा कितना केजी का लड़का है, 50 केजी का कोई लड़का है, G का मान 10 दिया है, और कितना ऊंचाई हो गया, तो कहिएगा सीढ़ी दिया हुआ है सर, ये सीढ़ी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ऊंचाई दिया हुआ है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दिया हुआ है कि 16 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऊंचाई। तो अब बताइएगा इस ऊंचाई पर वो लड़का चढ़ता है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 16 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है ये हमारा। तो अब बताइएगा 16 सेंटीमीटर, ये नहीं पता चल रहा है, इतना ना ज्यादा बड़ा बड़ा है ना, ये 16 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ये आपके उसकी क्षमता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सब कुछ हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। P बराबर M का मान हो गया 50 और गुने G का मान हो गया 10, और बताइएगा टोटल हाइट कितना, एक स्टेप की ऊंचाई बताइएगा 16 सेंटीमीटर। ऐसा को गो है, 40 गो है, तो ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलना होगा। गुने कर दीजिएगा यहाँ पर, गुने 16 और गुने कर दीजिएगा 40 और बटा कर दीजिएगा 100। तो कहिएगा 100 क्यों आया सर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है हमें। और डिवाइडेड बाय कर दीजिएगा कितना समय में, 10 सेकेंड में। इसको काट दीजिए आप लोग, तब काटिएगा तो कितना आ जाएगा, जरा कटनी छटनी कर दीजिए, तब 50 दूना हो जाएगा 100, 50 दूना 100 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगा और यहाँ पर फिर 2 से कट जाएगा 8 बार में, और चौके 32, 320 वाट हो जाएगा आंसर, 320 वाट। ऑप्शन नंबर सी सही है, 320 वाट हो जाएगा आंसर। चलिए सब लोगों का सही ऑप्शन आ रहा है, सब लोगों का ऑप्शन सही आ रहा है। चलिए एक स्टूडेंट बार मैसेज कर रहे हैं कि सर ये इनको देखिए, सारे शिक्षक अच्छे हैं, सब शिक्षक अच्छे पढ़ाते हैं, आपका एग्जाम क्या है, किस तरह का एग्जाम है, उस तरह के एग्जाम के अनुसार शिक्षकों को लाया जाता है। इसलिए आप घबराइए मत, आराम से पेशेंस से पढ़िए, आप लोग टेंशन मत लीजिए कि हाँ ऐसा नहीं है सब लोगों का अलग अलग आपका एथी रहती है। जैसे मानकर चला जाए कि हम न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस पढ़ाते हैं तो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस दोनों पढ़ाते हैं, तो हमको उस बैच में लाया जाएगा जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस पूछा जाता है, तो हमको इसमें लाया गया है। अब बताइए, बात रहा रीजनिंग की, बात रहा तो रीजनिंग में भी बहुत तरह का होती है। बैंकिंग का सेक्टर अलग होती है, आपका ये रेलवेज का सेक्टर अलग होती है, इसलिए पढ़ाई कीजिए, आराम से पढ़िए। सब रेनॉल्ड टीचर है, सब बने अच्छे शिक्षक हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ध्यान दीजिएगा तो 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। अगला सवाल पर आ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि 0.5 केजी वजन वाले गेंद की गति को 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकेंड करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। यहां देखिए, यहां पर कार्य ऊर्जा प्रमेय से देखिएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय से आप लोग देखिएगा यहां क्या कह रहा है। कह रहा है कि एगो 0.5 केजी का वस्तु है और उसका शुरू में वेग है 4 मीटर पर सेकेंड और बाद में हो गया 8 मीटर, तो जरूर उस पर बल लगा होगा बाहर से, तो वो बल कितना काम किया, तो यहाँ कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है। और कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य, कहिएगा बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया जो कार्य होती है, कार्य ये कह दीजिएगा बराबर काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन, में परिवर्तन के बराबर होती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। कहने का मतलब यह हुआ कि बल द्वारा किया गया कार्य बराबर काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि किया गया कार्य किसके बराबर होती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है तो नायका गतिज ऊर्जा माइनस पुरानका, इसी को आप लिख दीजिएगा हाफ एम, और यहाँ पर आप शुरू वाला को मान लीजिए भी स्क्वायर माइनस हाफ एम और यहाँ यू स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ कॉमन क्या लीजिएगा तो 1/2 एम इंटू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसी सूत्र पर बनाइएगा। इस तरह का सवाल रहेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन भी कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर, संवेग में परिवर्तन के बराबर कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। तो यहाँ प्रश्न पर आ जाइए आप लोग, यहाँ थ्योरी बना दिए हम लोग, तो W बराबर हो गया 1/2 गुने, ये बताइए द्रव्यमान कितना है, तो एक आपका 0.5 केजी 1/2 कर दे रहे हैं और यहाँ भी का मान दे दिया है गया है 8 है, 8 है 64 माइनस कह दीजिएगा 16 हो जाएगा और इसी को कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो 64 में से यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/4 गुने, 1/4 गुने यहाँ पर एक आपका हो जाएगा, इसको घटा दीजिएगा तो 64 में से यहाँ पर हमारा 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और यहाँ कह दीजिएगा बरचौक 48 हो जाएगा तो 12 जूल हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। हाँ आ गया 12 जूल आ गया, अरे 12 जूल आ गया, अरे भाई गुना भाग भी आप लोग थोड़ा सही सही कर दीजिए तो, नहीं तो गुना भाग भी बतलाने लगेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया 1/2 का है लिख दिए, क्योंकि 0.5 केजी हम आप ही के अनुसार बतला रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे रेलवे के स्टूडेंट जो होते हैं ना नॉर्मल होते हैं, क्योंकि उनका मैथ लगभग ठीक रहता है, आपका रीजनिंग लगभग ठीक रहता है, लेकिन साइंस में थोड़ा परेशानी होती है, इसलिए हम एकदम नॉर्मल ढंग से चल रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो 1/2 गुने 1/2 और बताइएगा 64 और यहाँ पर माइनस 16, तो यहाँ पर हो गया हमारा 1/4 गुने 48 बरचौक 48 12 जूल प्रश्न का जवाब हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल पर आ जाते हैं हम लोग, क्या है बाबा, तो कहिएगा पौधों में शर्करा का, शर्करा का मतलब होता है स्टार्च हो गया यहाँ पर, तो ये कह दीजिएगा पौधों में शर्करा का समान प्रवाही रूप कौन होती है। तो कह रहा है कि पौधा में जो भोजन का परिवहन होता है ना किस रूप में होता है, मैं बार बार इस चीज को बतलाता हूं। हाँ ज्वाइन कर सकते हैं, कहे नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, 10th PCM वाले टेक्नीशियन भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइएगा पौधा में, प्लांट्स में संचित भोजन, यहाँ लिख दे रहे हैं फिर से, प्लांट्स में स्टोर्ड फूड की बात करते हैं, संचित भोजन जो होती है ये होती है स्टार्च होती है। स्टार्च का मतलब हो गया मंड हो गया। और याद रखिएगा इसमें प्लांट्स में परिवहन भोजन कहिएगा, परिवहन भोजन जो होती है जो परिवहन किया जाता है वो सुक्रोज होता है, ये सुक्रोज होती है सुक्रोज। और वही आपसे पूछा भी जा रहा है तो कौन हो जाएगा, प्रवाही रूप से कौन होती है, सुक्रोज हो गया सुक्रोज। ये सुक्रोज हो गया, राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन सही हो जाएगा सुक्रोज। अरे बाबा हम कितना बार मैं आपको बताया हूं, देखिए बार बार बतला रहा हूं मैं इस चीज को, मैं उसी चीज को ज्यादा मैं क्लिक कर रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोगों के पास समय है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, चारों तरफ शेयर कर दीजिए। और हम लोगों में ह्यूमन में संचित भोजन जो होता है ग्लाइकोजन होती है, ये फ्रुक्टोज होती है, फ्रुक्टोज ग्लूकोज ये सब हमारा क्या है, सब का सब मोनोसेक्राइड है, हेक्सोज में आता है ये सब। कोई भी मीठा फल खाइएगा उसमें फ्रुक्टोज मिलेगा, शहद पीजिएगा मीठापन का कारण फ्रुक्टोज ही है, शहद का मेन कंपोनेंट फ्रुक्टोज ही होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला सवाल, ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। देखिए आप ये जानते हैं कि तापमान के बढ़ने से हवा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, सही बात है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बशर्ते कि तापमान कांस्टेंट रहनी चाहिए। आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ये बात सब जानते हैं आप लोग। तो कहिएगा ध्वनि की चाल जो होती है, ध्वनि की चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्द्रता का। कहिएगा यह ध्वनि की चाल जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर्द्रता का होती है, या हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर टी का। यहाँ पर आर्द्रता के बढ़ने से भी बढ़ती है लेकिन तापमान के बढ़ने से भी बढ़ती है। और टी का मतलब हो गया परम ताप, ये होता है परम ताप अगर टेम्परेचर केल्विन में रहेगा तब। और ये कैलकुलेटिव वैल्यू है, ये कैलकुलेट किया गया है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, कहिएगा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है, 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। तो कहिएगा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल कितना से बढ़ जाती है, तो कहिएगा 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बशर्ते कि तापमान कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो बताइएगा ये सब, यहाँ देखिए ये मीटर में है, यहाँ किलोमीटर में, फीट में, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है तो मीटर वाला भी सही होगा लेकिन वो रहेगा तब रहेगा। आंसर हो गया हमारा, प्रश्न का सही जवाब मिल गया हमारा यहाँ पर। अगले सवाल पर आ जाते हैं हम लोग, अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी है हमारा, कह रहा है कि यदि 1 लीटर नाइट्रोजन में X अणु है तो तापमान एवं दाब की उन्हीं स्थितियों में ऑक्सीजन के 3 लीटर में ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे, तो कहिएगा 3 अणु होंगे, 3X होंगे। यही बात तो महान वैज्ञानिक एवोगाडो साहब बतलाए थे कि समान ताप तथा दाब पर किसी भी गैस के समान आयतन में, हाँ समान, सर हम 12 एग्जाम कुछ ही दिन पहले दिए थे हैं, तो क्या हम रेलवे का तैयारी अवश्य कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। तो ये एवोगाडो साहब का कहना था, तो कहिएगा एवोगाडो के नियम के अनुसार, एवोगाडो के नियम के अनुसार एसटीपी या एनटीपी पर किसी भी गैस के समान आयतन में, एसटीपी या एनटीपी पर माने समान ताप तथा दाब पर, एसटीपी या एनटीपी पर किसी भी गैस के देखिए एवोगाडो साहब का कहना था कि किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की एसटीपी या एनटीपी पर यदि 1 लीटर नाइट्रोजन में x अणु है तो एवोगाडो साहब का ही कहना था कि आपका एसटीपी या एनटीपी पर किसी भी गैस के समान आयतन में आयतन माने वॉल्यूम में अणुओं की संख्या समान होती है, अणुओं की संख्या समान होती है अणुओं की संख्या समान होती है, किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यही बात एवोगाडो साहब बताए थे। तो 1 लीटर नाइट्रोजन में x अणु है तो बताइएगा दाब आपका उसी तापमान और माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्सीजन के 3 लीटर में अणु की संख्या 3x के बराबर हो जाएगा। यही बात एवोगाडो साहब अपने नियम में बतलाए थे। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि निम्नलिखित ऊर्जा की इकाइयों में कौन सी सबसे बड़ी ऊर्जा की इकाई है, कौन इसमें सबसे बड़ी ऊर्जा की इकाई है, यही सवाल कह रहा है। तो ये बात बताइएगा जूल है कि किलोवाट घंटा है, और किलोवाट घंटा का मतलब होता है यहाँ पर याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा 1 kWh जो होती है ना ये होता है 1 यूनिट ऊर्जा के बराबर, 1 यूनिट ऊर्जा के बराबर होती है और यही होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होती है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा की इकाई है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻¹९ जूल के बराबर होती है, ये इतना जूल के बराबर। और याद रखिएगा अर्ग में और जूल में 1 जूल बराबर होती है, 1 जूल बराबर हो गया 10⁷ अर्ग होती है, ये अर्ग होती है, इतना अर्ग होती है। इसमें बताइएगा इसमें बड़ा कौन हो गया तो कहिएगा जूल ग्रेटर देन हो गया, यहाँ पर अर्ग हो गया, यहाँ जूल ग्रेटर देन अर्ग हो गया, लेकिन सबसे बड़ा इकाई हो गया इसमें किलोवाट। यहाँ देखिए किलोवाट घंटा हो जाएगा ऊर्जा का, यहाँ 10⁶ 3.6 × 10⁶ हो गया। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होती है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों में बड़ा कौन हो गया तो कहिएगा कि यहाँ जूल बड़ा है अर्ग से, क्योंकि जूल के साथ वैल्यू छोटा है, तो जूल हमारा एसआई मात्रक हो गया, अर्ग हमारा सीजीएस मात्रक हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। यही ना होता है 1 यूनिट ऊर्जा, यही 1 BOT के बराबर, बोर्ड ऑफ ट्रेड के बराबर। चलिए 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि द्रव्यमान 1 kg की एक वस्तु धरती की अपेक्षा स्थितिज ऊर्जा 1 जूल रखती है तब इसकी ऊंचाई क्या होगा। हमारे पास 1 kg का एक वस्तु है और पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर हम लोग इसको शिफ्ट कर दे रख दें कि उसका स्थितिज ऊर्जा 1 जूल हो जाए। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिएगा ना तो पता चल जाएगा, mgh के बराबर होती है। तो ऊर्जा दिया हुआ है 1 जूल दिया हुआ है, ऊंचाई पूछ रहा है तो h बराबर कहिएगा PE/mg कर दीजिएगा, PE/mg, और PE का मान कितना हो गया 1 हो गया यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय m का मान 1 और गुने 9.8, नहीं दिया है तो 9.8 लेकर बना दीजिएगा और यही वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.120 मीटर, इतना मीटर आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 0.102 मीटर, यही हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ -6 ना है, अरे बाबा यहाँ पर कहाँ गया एक स्टूडेंट हमारा, यहाँ पर हमारा हो गया 1.6 × 10⁻¹९ जूल है, -19 है यहाँ पर, और यहाँ पर है 10⁶ है, कौन बड़ा हो गया तो बताइए। किलोवाट घंटा जो है ना ऊर्जा का सबसे बड़ा इकाई है, माने 1000 वाट का कोई बल्ब है 1 घंटा तक जलता है तो वो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगले सवाल पर आ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति क्या होगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण याद रखिएगा और जितना भी विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है सब की चाल प्रकाश की चाल के समान होती है। इसकी अगर चाल पूछा जाए चाल, तो इसकी चाल जो होती है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग की जो आवृत्ति होती है ना इसकी चाल को इस सूत्र से निकाला जाता है। C बराबर होता है न्यू लैम्डा, C बराबर न्यू लैम्डा होती है और C का मान यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से न्यू निकालिएगा तो C बटा लैम्डा कर दीजिएगा। और C का मान दे दिया गया है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ बटा लैम्डा का मान दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य दे दिया गया है 300 मीटर। तो अब बताइएगा यहीं पर लिख दीजिएगा 1 × 10⁶ हर्ट्ज हो जाएगा, यानी 1 मेगा हर्ट्ज हो जाएगा। मेगा हर्ट्ज, मेगा का मतलब ही होता है 10⁶ होती है, आंसर हो जाएगा 1 मेगा हर्ट्ज, मतलब कि 10⁶ हर्ट्ज हो जाएगा। 10⁶ हर्ट्ज, देखिए दो को ऑप्शन हो गया है, 10⁶ है तो एक जगह -6 कर दीजिए आप लोग, एक जगह -6 कर दीजिए आप लोग। यहाँ पर हो गया 10⁶ हर्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक जगह माइनस कर दीजिएगा। अब बताइएगा इस प्रश्न का जवाब कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, 10⁶ हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा। तो जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उस सब की चाल यही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, कहिएगा 1/√√, μ naught into एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। ये भी पूछा जाता है, ये भी रहेगा न्यूमेरिकल करवाए, सर न्यूमेरिकल करवाइए, तो ये क्या चल रहा है, न्यूमेरिकल नहीं चल रहा है तो क्या ये थ्योरी चल रहा है, न्यूमेरिकल नहीं चल रही है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल है कि किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है, किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है, तो कहिएगा गामा किरण, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, ये सब का सब विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सब का सब विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है। और इसकी चाल जो होती है ना चाल बराबर प्रकाश की चाल, इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है इसकी चाल। और यहाँ पर अल्फा किरण दिया हुआ है, अल्फा किरण दिया हुआ है, अल्फा किरण अल्फा कण से मिलकर बना होता है, और अल्फा कण बीटा कण और गामा कण होता है। अल्फा कण की चाल प्रकाश की चाल का आपका 1/10 भाग होता है, इसकी चाल प्रकाश की चाल का 1/10 भाग होता है। इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर नहीं होता है, उससे कम होती है। तो यही तो हो गया हमारे प्रश्न का सही जवाब। अब आप लोग सवाल जवाब देने लगे हैं सही से ही। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, अगला सवाल देखिए आपका x ये इस तरह से दिया हुआ है, x दिया हुआ है, z दिया हुआ है और a दिया हुआ है में, तो कहिएगा x हमारा तत्व हो गया, x बराबर तत्व हो गया। ये नीचे वाला जो होता है परमाणु संख्या होती है, ये परमाणु क्रमांक होती है या परमाणु संख्या होती है, परमाणु क्रमांक हो गया और चाहे परमाणु संख्या हो गया, चाहे परमाणु संख्या हो गया ये हमारा। और याद रखिएगा यही बराबर होता है पी के बराबर होता है, यानी जेड हमेशा पी के बराबर, एक्चुअल में पी ही जेड को बतलाता है। नाभिक में कितना प्रोटॉन है वही प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या होती है। और ए बराबर कहिएगा द्रव्यमान संख्या, ए बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या होती है, ये मास नंबर होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। तो बताइएगा जेड क्या चीज को दर्शाता है, जेड के बारे में पूछ रहा है, तो कहिएगा परमाणु संख्या को बतलाता है, एटॉमिक नंबर को बतलाता है, न्यूक्लियॉन संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान, तो बताइएगा कौन हो जाएगा, परमाणु संख्या के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर। सही आ रहा है आप लोगों का। अगले सवाल पर आ जाते हैं हम लोग, अगला सवाल क्या कह रहा है जरा देख लीजिए आप लोग। अगला सवाल है कि दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर, जैसे मानकर चलिए कि आप अपने घर में दर्पण लगा दीजिए, नीचे में लगा दीजिए समतल दर्पण और ऊपर में लगा दीजिए अवतल दर्पण। तो समतल दर्पण जो है ना, समतल दर्पण जो है हमारा, समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर होती है, लेकिन अवतल दर्पण जो है ना, प्रतिबिंब का आकार वस्तु, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, वस्तु के आकार से बड़ा भी होता है, तीनों प्रकार का होता है, काल्पनिक भी होता है और वास्तविक भी होता है। लेकिन समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है और वह भी वस्तु के आकार के बराबर होती है। और उसमें भी देखिएगा तो ये आपका लैटरल इनवर्स भी शो करती है इसमें। तो देखिए कह रहा है यहां पर कि दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर शरीर के वास्तविक आकार से छोटा, मतलब कि यहाँ पर सामने में दर्पण, देखिए कैमरा के सामने में सपोज दैट दर्पण हो गया और उसमें कहा जा रहा है कि हमारा सिर जो है और हमारा शरीर जो है वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, लेकिन कह रहा है कि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती है। टांग जो है ना, जितना बड़ा हमारा टांग है उतना ही बड़ा दिखाई देता है। तो जरूर जहां पर टांग दिखाई दे रहा है जिस दर्पण से, वो टांग वाला दर्पण जो है समतल है और जो हमारा शरीर और हेड वाला दर्पण जो है वो हमारा अवतल दर्पण है। तो कह रहा है कि दर्पण के अंशों का, अंश माने क्या हुआ इसका, आपका दर्पण के शेप का, आपका आकार कैसी है। तो कहिएगा कि ऊपर में हमारा हो जाएगा छोटा दिखाई जाएगा तो अवतल और नीचे में समतल, अवतल उत्तल, कह रहा है कि अवतल और समतल हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पर आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका ऊपर सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और आपका और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती है, आपका छोटा दिखाई देता है। तो अवतल उत्तल, उत्तल समतल, समतल उत्तल, समतल उत्तल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, दिखाई देती है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका सवाल कह रहा है देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती है। तो दर्पण के अंशों की आकार कैसी है, दर्पण के अंशों की आकार कैसी है। आप कहिएगा कि सर उत्तल दर्पण भी तो, उत्तल आपका उत्तल दर्पण भी तो यहाँ पर हमारा, देखिए बहुत के मन में चल रहा है, बहुतों के मन में चल रहा है कि अवतल समतल होगा कि उत्तल एवं समतल होगा। तो आप लोग बताइए कि क्या होगा इसमें, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में हम देखना चाहेंगे, फटाफट बताइए। तो आप लोगों से बन गया होगा। तो आप लोग ए काहे कर रहे थे, सी होगा, हाँ अवश्य सी होगा, आपका सी नंबर होगा ना, सी नंबर हो जाएगा आपका। अब बताइएगा यहाँ पर हमारा अवतल समतल, अवतल उत्तल, उत्तल समतल, तो हमारा उत्तल और क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। हाँ उत्तल और कौन हो जाएगा, समतल हो जाएगा। तो आप लोग पहले सवाल पढ़ते नहीं है और एकदम आप लोग एथी करने लगते हैं, एकदम आप लोग आंसर धाएं आंसर देने लगते हैं। धाएं आंसर देना से काम नहीं चलेगा। चलिए हो गया सब लोगों का, हो गया ना। चलिए आप लोगों का हो गया। यहाँ पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग मिस करिएगा ना, मिस कीजिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मैं फाउंडेशन बैच जैसा ही पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। जल के एक मोल में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? जल के एक मोल में तो कह रहा है कि जल के H2O के एक मोल में, एक मोल में अगर यही रहता कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, कहिएगा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की अगर संख्या पूछा जाता कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, आपका एक मोल कुल कितने परमाणु मौजूद होंगे? आपका हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या तो 2 गुने एवोगाड्रो नंबर 6.022 गुने 10 का पावर 23 परमाणु कहिएगा, इतना परमाणु कह दीजिएगा हाइड्रोजन परमाणु। लेकिन ऑक्सीजन परमाणु पूछा जाता तो कह देते 1 गुने 6.022 गुने 10 का पावर 23 कह दीजिएगा। और अगर कह दिया कि जल के एक मोल में कितने, तो कुल मिलाकर हाइड्रोजन 2 गो और ऑक्सीजन 1 गो, तो कह कुल कितने परमाणु मौजूद है, तो 6 आपका 3 गुने एवोगाड्रो नंबर के बराबर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहां पर जल के एक मोल में कितने परमाणु, अगर अणु रहता ना, अणु रहता तो ये हो जाता इतना आपका, यानी अणु रहता तो 6.022 गुने 10 का पावर 23 अणु हो जाता, इतना अणु हो जाता हमारा। चलिए हो गया, यहां पर बन गया हमारा आंसर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है देखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नहीं। अगला सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल है कि ग्रासिका एक नली है जो कि डैश डैश भी कहलाती है। ग्रासिका एक नली है, ग्रासिका का नाम सुने आप लोग ना, ग्रासिका एक नली है जो डैश डैश कहलाती है। तो ग्रासिका का मतलब होता है ओइसोफेगस, इसी को कहते हैं ग्रास नली, इसी का नाम है ग्रास नली कहते हैं। आहार नली होती है और यही ना आहार नली है। यहां पर देखिए हम यहां पर इस तरह का बना दे रहे हैं, इस तरह का, यही हमारा होती है आहार नली होती है, यही हमारा आहार नली है। यहां पर हमारा इसी को कहते हैं ओइसोफेगस, कहिएगा आहार नली ओइसोफेगस, ओइसोफेगस होती है। वायु नली की बात किया जाता है, वायु नली की बात करते हैं हम लोग। श्वास नली होती है वो, वायु नली होती है डिंबवाहिनी, वाहिनी डिंबवाहिनी, वाहिन नली डिंबवाहिनी, डिंबवाहिनी नली होती है। फैलोपियन ट्यूब होती है, इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, कहिएगा फर्टिलाइजेशन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, फैलोपियन ट्यूब में ही होती है, महिलाओं में होती है, एक जोड़ी होती है। यहाँ पर वायु नली होती है हमारा, यहाँ एयर ट्यूब के लिए एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल नहीं, यहाँ पर आहार नली होती है। यहाँ पर एगो छोटी आंत दिया हुआ है, तो बताइए ग्रासिका एक नली है जो डैश भी कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रासिका। ग्रासिका को हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। चलिए हो गया आंसर हमारा यहाँ पर, डिंबवाहिनी नहीं। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको हटा दीजिए। यहाँ पर मुंह हो गया, मुंह के बाद में बताइएगा ग्रासिका, यही हमारा होती है आहार नली, ग्रासिका को आहार नली कहते हैं। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए आप लोग, अगला सवाल का जवाब दीजिए फटाफट, अगला सवाल का जवाब फटाफट दीजिएगा। ये बताइए फटाफट बता दीजिए आप लोग क्या होगा इसका। अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का अनंत पर एक काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सुनिए यहां ध्यान दीजिएगा, यहां सवाल कह रहा है कि ये अवतल दर्पण हो गया, और ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष हो गया, इसका ये प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ पर हो गया बिंदु F हो गया, यहाँ बिंदु C हो गया, यहाँ पर P हो गया। और कह रहा है कि यहाँ पर जब अनंत पर वस्तु को रखिएगा तब प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर बनेगा, और जब फोकस पर रखिएगा वस्तु को तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यही बात समझना है, अगर अनंत पर रखिएगा तब प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, अगर फोकस पर रखिएगा वस्तु को तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने कहां पर वस्तु को आपका डैश डैश रखी वस्तु का अनंत पर एक का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को फोकस पर रखना पड़ेगा। और बताइएगा, और अनंत पर अगर वस्तु है, अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब फोकस पर, और अगर फोकस पर वस्तु है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो कह रहा है कि ध्रुव और ध्रुव वक्रता केंद्र C पर, तो C पर रखिएगा तो जस्ट यहीं पर बन जाएगा, यहाँ रखिएगा तो जस्ट नीचे बन जाएगा। इसके जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा आपका, मान के जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ध्रुव और F के बीच में, ध्रुव और F के बीच में रखिएगा तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा। मुख्य फोकस पर रखिएगा तब इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सदिश मात्रा का एक उदाहरण है। मैं कौन, इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर की बात किया जा रहा है। तो चाल हमारा स्केलर हो गया, चाल स्केलर हो गया, और स्केलर राशि वैसी राशि होती है जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। मान की चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये कहिएगा वेक्टर होती है, ये हमारा वेक्टर हो गया, ये हमारा वेक्टर हो गया। इसका SI यूनिट कह दिया जाएगा तो वेबर बटा मीटर का स्क्वायर, वेबर बटा मीटर का स्क्वायर होता है, यही होता है बराबर टेस्ला के बराबर होती है, टेस्ला के बराबर होती है। और इसका CGS यूनिट जो होती है ये होती है हमारा, CGS मात्रक जो होता है गॉस होता है, गॉस, ये होती है गॉस होती है। और याद रखिएगा पावन कह रहा है, होली नहीं, गलत हो यहाँ पर। ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा B नंबर हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। पावर होना चाहिए, पावर होना चाहिए, देखिए गलत है यहाँ पर, यहाँ पावर कर भाई, पावर रॉ की नहीं, यहाँ पर रॉ करना है। पावर का मतलब शक्ति, पावर का मतलब शक्ति होती है, पावर हो गया, इसको मतलब कहते हैं शक्ति कहते हैं। और शक्ति भी हमारा स्केलर में आता है, ये स्केलर होती है। इसको होली नहीं करो यार, पावर कर दो, इसका इसको पावर कर दो भाई, पावर यहाँ पर हो गया, पावर हो गया, इसको पावर कर देना है। पावर हमारा, पावर हो गया। ये बताइए प्रश्न का जवाब हो गया हमारा ऑप्शन नंबर B। हम आ जाते हैं एक बार बैक, यहाँ पर इसका आंसर हो गया मुख्य फोकस पर, यहाँ पर हो गया ग्रासिका क्या है, तो ग्रासिका हम लोग आहार नली का, ग्रास नली होती है, वायु नली नहीं होती है, ये ग्रास नली होती है, यहाँ पर ग्रास नली होती है। यहाँ पर इसके बाद में हमारा ये हो गया, यहाँ पर हम लोग देख लिए। इस तरह से हम लोग, इस तरह से आप लोग देखते चले जाइएगा। तो ये बार बार मैं कहता हूँ कि आप लोग ईमानदारी से पढ़िएगा, तो ईमानदारी से पढ़िएगा तो रिजल्ट होगा आपका, एकदम जरूर होगा, जरूर होगा। देखिए ईमानदारी से पढ़िए आप लोग, ईमानदारी से पढ़िएगा, जरूर आपका आपसे रिजल्ट होगा, इतना समझ लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ईमानदारी से अगर पढ़ रहे हैं तो जरूर आपका रिजल्ट होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर आपके अंदर ईमानदारी होगा तब, अगर आपके अंदर ईमानदारी होगी तब, इसलिए याद रखिएगा ईमानदारी से पढ़ना है आपको, और डेली सेशन को बनाकर रखना है। और 20 तारीख से बैच आ रहा है KGS पर, KGS पर आ रही है, जिसमें साइंस पढ़ाऊंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी मैम पढ़ाएगी, उसके बाद में आप लोग का ट्रेड में सारा ट्रेड पढ़ाऊंगा। एकदम टेंशन होकर पढ़िए, क्योंकि जब आप लोग इसमें इतना डाइवर्सन मिल रहा है तो आप लोग ट्रेड किस तरह से पढ़ पाइएगा भाई। हमें बड़ी सोचना पड़ रहा है, बहुत हम सोच पा रहे हैं इस बात को लेकर कि आप लोग को कैसे हैंडल करा जाए, किया जाए कि आप लोग का सीट एकदम कन्फर्म हो जाए। चलिए ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।